सीरियल अनुपमा में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। वनराज और अनुपमा को मिलने वाला है एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, वनराज अनुपमा ने बाबूजी और घरवालों को इतनी तसल्ली दे दी है कि हमारे सपनों को और हमारे कारखाने को कुछ नहीं होगा, लेकिन मुसीबत ये ही है कि आखिर होगा तो कैसे होगा। और वनराज अनुपमा काफी परेशान है। वनराज अपने दोस्तों से लोन की बात भी करता है, जिस बात पर काव्या भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें तो लाना ही बेकार था, सबके सामने इंसल्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी लोन के लिए ही अपने यहाँ पर बात करने वाली है किसी से, और यहाँ पर वनराज और अनुपमा दोनों ही बैंक पहुंचने वाले हैं और वहीं पर होने वाली है अनुपमा के दोस्त की एंट्री, जो कि अनुपमा और वनराज की मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिलने वाली है वनराज और अनुपमा को एक बहुत बड़ा सपोर्ट, जहाँ पर वनराज और अनुपमा को लोन देने की मदद में करने वाला है वह यही अनुपमा का दोस्त। कुछ तो पैसों का इंतजाम बैंक से हो जाएगा कि, और दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा के सामने एक बड़ा ऑफर आने वाला है जिससे लेकर कि आधे पैसों का इंतजाम वहां से हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि अनुपमा की बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाती है, और इस वजह से अनुपमा और वनराज को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलेगा, तो दूसरी तरफ अनुपमा भी को डांस कॉम्पिटिशन का ऑफर मिलने वाला है, और कुछ पैसों का इंतजाम अनुपमा का दोस्त बैंक से लोन दिलवा के कर देगा। तो भाई वनराज और अनुपमा ने दोनों ने ही मिलकर 20 लाख रुपए का जुगाड़ करने का एक रास्ता निकाल तो लिया है, लेकिन बिना मुसीबत के इतना आसानी से इनको पैसे मिल जाएंगे ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ पैसों का इंतजाम तो बैंक से हो जाएगा, तो दूसरी तरफ वनराज और अनुपमा के सामने एक के बाद एक चुनौती आएगी इस ऑर्डर को पूरा करने में और डांस कॉम्पिटिशन को जीतने में, जिससे कि वनराज और अनुपमा को पूरी फैमिली तो सपोर्ट करेगी, लेकिन बार बार काव्या और यहाँ पर राखी यही कोशिश करने वाले हैं कि अगर ये हार जाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा। तो वही काव्या तो बाहर बात पर ताना देगी, तो वही राखी ये सोचेगी कि कैसे भी ये डांस कॉम्पिटिशन और ये ऑर्डर पूरा ना हो ताकि वो किंजल को अपने पेंटा हाउस में शिफ्ट कर सके। तो वो एक के बाद एक घटिया चाल चलती दिखेगी। तो दूसरी तरफ देखने को मिलने वाला है कि वनराज और अनुपमा पूरी कोशिश पूरे परिवार के साथ मिलकर करने वाले हैं, और जब उस अनुपमा का पूरा परिवार साथ हो, जब कान्हा जी उसके साथ हो, तो परिवार की खुशियां लौटाने में क्या वक्त लगता है। तो यहाँ पर वनराज और अनुपमा दोनों ही मिलकर 20 लाख रुपए का इंतजाम करने वाले हैं, और यहाँ पर अनुपमा एक बार तो ये भी सोच लेगी कि उसको गहने भी बेचने पड़ सकते हैं, तो पूरे गहने भी इकट्ठे करने की कोशिश कर लेती है। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट शो में देखने को मिलेगा। अब देखना है कि किस तरह से ये टैक्स फाइल करते करते क्या क्या नई यहाँ पर परेशानियों का अनुपमा और वनराज सामना करते हैं, और कैसे इनका सॉल्यूशन निकालते हैं।